सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड वेलकम आप लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 सेकेंड स्ट्रैटेजी के बारे में। 5 सेकेंड स्ट्रैटेजी में किस तरीके से आपको ट्रेड्स प्लान करना है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने सेटअप आपको बताया हुआ है, सिर्फ मैं कुछ ट्रेड्स वगैरह लेकर के दिखाने वाला हूँ, लाइव हम लोग ट्रेड्स करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ ट्रेड्स वगैरह जैसे जैसे हमें मिलेगा हम लोग अपना ट्रेड्स प्लान करेंगे। ख्याल रखना इसके लिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मोमेंटम के साथ साथ आपको कोटेक्स के लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसा कि अगर ये ऊपर जाता है ये कैंडल, तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास ये ऊपर जाएगा तो 100 का एक लेवल है। अगर मार्केट उसके करीब जाएगा 5 सेकंड का मैं ट्रेड प्लान करूंगा और उसके बाद मेरा ट्रेड बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट विन होगा। बट मैं वेट करूंगा, अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा, अभी नहीं गया है तो इंतजार करेंगे, ठीक है, आराम से जाने देंगे। देखो क्या करना, कोटेक्स के लेवल के पास जाना चाहिए, उसके जस्ट पास में रहे और उसको हिट नहीं किया हो तो वैसे किस में मार्केट जो है सीधा सीधा नीचे आता है। उसमें मार्केट कहीं भी स्टक ना हुआ हो, मार्केट कंसिस्टेंट अप या डाउन का मूव हो और जो कैंडल आप ट्रेड ले रहे हो जिस पर, उसमें एक अच्छे मोमेंटम आपके पास होनी चाहिए। तो अच्छे मोमेंटम पर मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, क्योंकि इसमें 5 सेकंड का जो ट्रेड आप प्लान करते हो ना उसमें मोमेंटम, अगर मान के चलो आपका आपका ट्रेड प्लान करते हो और उसको नीचे आ रहा है तो उसको क्या करना होगा, पहले मोमेंटम को ब्रेक करना होगा देन मार्केट को रिवर्स करना होगा। तो वो चीज़ें होती है, इसीलिए आपको इस पर जो है वो मोमेंटम को पकड़ना है जिससे कि आप बहुत आसानी से 5 सेकंड का ट्रेड आप विन कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा कैंडल है, अगर आप देखोगे नीचे कोटेक्स का लाइन है 300 का। अब जैसे ही करीब आएगा हम लोग ट्रेड अपना प्लान करेंगे। देखो 5 सेकंड का मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, अभी जो 5 सेकंड का ट्रेड लिया हूँ आई थिंक ये ट्रेड हमारा पहला ही हमारा ट्रेड लॉस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टक था, मैंने गलती करी थी, मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना था, बट कोई ना गलतियाँ होते रहती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी स्टक मार्केट है, थोड़ा रिस्की है, यहाँ पर ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे। आपको अच्छी मोमेंटम पकड़ना है, जैसे ये बैक टू बैक रेड बना रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो कौन से नंबर का कैंडल है, ये ऑड नंबर कैंडल है, 3rd मिनट का है, 5 मिनट में से तीसरे वाले मिनट का कैंडल है। अभी इसमें थोड़ा रिस्की हो सकता है हमारे लिए, तो जैसे हमें बढ़िया पॉइंट्स मिलेगा हम अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सो वेट करेंगे, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम नहीं है, हमें मोमेंटम पकड़ना है। जैसे ये बहुत बढ़िया मोमेंटम था, मैंने 5 सेकंड का ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है, देखो क्या रिजल्ट आएगा। 5 सेकंड का मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पर, आई थिंक ये मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, इंतजार करते हैं थोड़ा सा, हमें क्या रिजल्ट आता है पता चल जाएगा, ठीक है, वेट करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अभी पता नहीं क्यों स्क्रीन बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा है कोटेक्स में। देखो ये हमारा जो ट्रेड है वो विन हो चुका है, पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ था, सेकंड ट्रेड हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ थर्ड ट्रेड का इंतजार करते हैं। थर्ड ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, अच्छे मोमेंटम पकड़ना है, मार्केट कंसिस्टेंट अप या डाउन का मूव पकड़े और वहाँ पर आपको जो है वो ट्रेड्स प्लान करना है। तो उसी को हम लोग देखेंगे और देख करके अपन लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो 100 के लेवल को हिट करने वाला है और मैंने ट्रेड 5 सेकंड का ले लिया है और ये 5 सेकंड सॉरी यहाँ पे 100 के लेवल को जरूर हिट करने के लिए जाएगा और मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए या फिर रिफंड आना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। देखो हमारा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट विन हो चुका है यहां पर, तो ये हमारा रिजल्ट रहा। दूसरा ट्रेड भी हमारा विन हुआ, पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ था, बाकी 2 ट्रेड हमारा शॉर्ट शॉर्ट विन रहा। तीसरा ट्रेड हम लोग यहाँ पर और ट्रेड प्लान करते हैं, अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं प्लान कर सकता हूँ, बट मार्केट थोड़ा पीछे से सपोर्ट दे रहा है तो वैसे केस में हम ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे, हमें अच्छे मोमेंटम पकड़ना है। 5 सेकंड में ट्रेड प्लान करते हो तो आपको जो है कोटेक्स के लेवल को ज़रूर देखना है, कोटेक्स के लेवल को हिट करने के लिए मार्केट जाता है, अगर बिल्कुल उसके पास में है तो उसको हिट करने के लिए जाएगा और आप तुरंत वहाँ पर ट्रेड प्लान करो। जैसे ये है अब नीचे आएगा तो देखोगे जो 26.000 है उस लेवल को हिट करने आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो मैं वेट करूँगा, अगर ये नीचे की ओर मूव करा तो फिर मैं उसके करीब में 5 सेकंड का ट्रेड जो है वो प्लान करूंगा। सो वेट करो, देखो अभी तक मैंने 3 ट्रेड प्लान किया है, पहला ट्रेड मेरा लॉस हुआ है और बाकी 2 ट्रेड मेरे शॉर्ट शॉर्ट रहे हैं। तीसरा ट्रेड हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, पहले हम पॉइंट देख रहे हैं। देखो अगर स्पीड मूव के साथ डाउन साइड में आएगा तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे मार्केट मूव कर रहा है अगेंस्ट डायरेक्शन में तो थोड़ा इंतजार करेंगे। देखो ये अपसाइड में निकल चुका है, अब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, हमें क्या करना है मोमेंटम पकड़ना है किसी भी एक साइड में, ठीक है। तो ये जो है 15th मिनट का कैंडल है आपका, तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे, टोटल 5 मिनट का कैंडल कंप्लीट हो चुका है। ओके तो नया कैंडल ओपन करते हैं और इसमें क्या है ट्रेड्स आप ले सकते हो, थोड़े रिस्की है इसमें कि 5 सेकंड में ट्रेड लेना, मतलब कि दिस इज टू मच वोलेटाइल मार्केट है ना, तो वैसे कि इसमें ट्रेड लेना अपने आप में थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर आप सही नॉलेज के साथ ट्रेड प्लान करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आप जो है वो गेन करोगे। कुछ अदर करेंसी भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और वहाँ पर भी कुछ ट्रेड्स वगैरह मैं प्लान करके आपको जो है वो दिखा देता हूँ। देखिए ये स्ट्रैटेजी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, करना नहीं करना आपके ऊपर है, आप उसको देखो अच्छे से, पहले बैक टेस्टिंग करो, खुद कुछ डेमो में ट्रेड्स लो एंड उसके बाद फिर आप उसका जो है वो ट्रेड लेकर के देखो रियल अकाउंट में कि काम करता है नहीं करता, धीरे धीरे करके एकदम से सीधा लाइव अकाउंट में स्विच मत करना कि हाँ
भाई चलो इसने आज बताया वीडियो, और वीडियो में सीखने के बाद तुरंत जो है वो मैं लाइव अकाउंट में स्विच करके ट्रेड लेना शुरू करता हूँ, नहीं, पहले आपको टेस्टिंग करनी है, मार्केट में देखना है। बैक टेस्टिंग इस पर होता नहीं है, यहाँ पे लाइव टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको कुछ कैंडल्स को देख करके, फिर कुछ डेमो ट्रेड्स वगैरह लेकर के। अभी देखो ये जो कैंडल है, अगर ये क्लोजिंग होगा 120 के ऊपर तो वहाँ पे 140 के लेवल के लिए मैं एक आपका ट्रेड प्लान करूँगा, देखना 5 सेकंड का किस तरीके से ट्रेड लूंगा उसको देखना। एक अच्छे मोमेंटम के साथ देखो ये लाइन के जस्ट नीचे है, तो वैसे कि इसमें थोड़ा मेरे लिए रिस्क होगा, बट अगर ये 140 लेवल के करीब चला जाएगा तो फिर मैं जो है वहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा फॉर अपसाइड के लिए 5 सेकंड का, देखना आप लोग थोड़ा इंतजार करो। देखो इसमें क्या है ना कि अगर आपने अच्छे मोमेंटम पकड़ लिया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको स्पीड देखना है कैंडल में कि कैंडल में कितनी स्पीड है, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा रिस्की हमारे लिए ट्रेड हो सकता है, बट फिर भी मैं इस पर एक ट्रेड प्लान करूंगा। ये देखो अभी आप देखो 140 का लेवल है, उसको हिट करने जाएगा, देखो कन्फर्म है उसको हिट करने जाएगा। मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, देखो क्यों इसको समय लगा, देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है। टोटल 4 ट्रेड मैंने लिया है, उसमें से पहला बस लॉस हुआ है, बाकी सारे ट्रेड्स हमारे शॉर्ट शॉर्ट हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमें पता है कि कोटेक्स का लेवल कैंडल का टारगेट होता है, उसको हिट करने के लिए मार्केट जाता है। कभी कभी छोटी मोटी रिवर्सल आपको देखने को मिलती है जिसमें लॉसेस हो जाते हैं, अदरवाइज ये लॉजिक बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है अपने ट्रेड को शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हो। अभी तक मैंने 4 ट्रेड लिया है, कुछ और भी ट्रेड लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ और ट्रेड्स वगैरह भी प्लान करूँगा, पहले तो पॉइंट्स देखना पड़ेगा अच्छे से। और हाँ, आप परसेंटेज थोड़ा ठीक ठाक वाले यूज़ करना, ऐसा नहीं कि 80% के लेवल उस पर ट्रेड कर रहे हो, थोड़े अच्छे परसेंटेज लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लेवल का वेट कर रहा हूँ जो कि है 960 का लेवल है, ठीक है। अब 960 के लेवल के करीब है, देखो उसको हिट करने के लिए जा रहा है, अब उसको हिट कर देगा, देखो अगर थोड़ा नीचे आ जाएगा मैं आपका ट्रेड ले लूँगा। अच्छा, वो शायद अब करेंसी अनअवेलेबल हो गया, क्योंकि मार्केट में अभी लाइव मार्केट है ना, तो अनअवेलेबल हो गया आई थिंक, है ना। चलो कोई ना, दूसरी करेंसी देख लेते हैं फिर, है ना। वो करेंसी जो है आपका अनअवेलेबल हो चुका है, ठीक है, AUD CHF, और दूसरा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा कुछ करेंसी देखते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में उस पर, और उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा चल रहा है, ठीक है, बट इसमें अच्छे मोमेंटम नहीं है। आपको बड़े बड़े जो कैंडल्स नज़र आते हैं ना, वैसे मार्केट को पकड़ना है जिसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको जो है वो कंसिस्टेंट बनते हुए मिलता है। वैसे मार्केट में ये जो रिजल्ट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, बट अगर आप कहीं पर भी ट्रेड लोगे तो आपको मैं सही बता रहा हूँ, रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आपको जो है समझना है ट्रेड्स कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, वो ज़रूरी होता है। अब देखो ये ऊपर जाएगा, ऊपर देखो 500 का लेवल है, 955 का जो लेवल है ना, वहाँ तक उसके जस्ट करीब में जाएगा, तो फिर मैं 5 मिनट का ट्रेड लूँगा, एक ट्रेड अपसाइड का लूँगा, देखना आप लोग। तो किस तरीके से लेना है उसको आप लोग जरा यहाँ पे देखो, और मैं कोई लेवल ड्रॉ नहीं करता हूँ, मेरा स्क्रीन बिल्कुल प्लेन क्लियर होता है, मैं कोई लेवल ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं सिंपल मार्केट एनालिसिस करता हूँ नॉर्मली कैंडल को देख करके, पहला कैंडल देख के दूसरी कैंडल एनालिसिस करता हूँ। अगर आपको एक एक कलर कैंडल प्रेडिक्शन कैसे करना है, वो भी OTC मार्केट में या लाइव मार्केट में, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दूंगा कि हर कैंडल का एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो भी परफेक्ट तरीके से, और उसके बाद ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। अभी देखो ये ऊपर जा रहा है, एक छोटी डाउन साइड बाउंस बैक करेगा, देखो मैंने आपका ट्रेड ले लिया, ये डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है क्योंकि लाइन है, ऊपर हिट करेगा। ये मेरा ट्रेड थोड़ा समय लगा, ये लॉस हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगा है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड लॉस हो चुका है, टोटल 5 में से 2 लॉस हुआ है और 3 प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग देखेंगे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, पहले तो हम अच्छे से पॉइंट देखेंगे एंड उसके बाद फिर हम उस पर ट्रेड्स प्लान करके रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये है हमारे पास 180 का लेवल, अभी इसमें थोड़ा सा समय है, देखते हैं क्या हो सकता है। पहले तो थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को स्पीड मोमेंटम के साथ जाने दो ऊपर, ठीक है। अभी ना कोटेक्स जो है वो थोड़ा स्क्रीन ग्लिच बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से मतलब लॉसेस एंड प्रॉफिट जो रिजल्ट आता है वो लेट में दिखाता है, तो ये स्क्रीन ग्लिचिंग होता है, स्क्रीन थोड़ा स्लो चलता है, तो क्या ही कर सकते हैं, बट मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कोई दूसरा करेंसी ओपन कर रहा हूं, उस पर देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ, एक देखो मैंने यहाँ पे 5 सेकंड का ट्रेड प्लान किया, ठीक है। देखो ये बाउंस बैक तुरंत ही कर लिया, और ये शायद मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए, देखते हैं, तुरंत बाउंस बैक कर लिया, बट 5 सेकंड का ट्रेड, देखो ये कोई तुक्का नहीं है, ना ही कोई गैम्बलिंग है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर प्योर नॉलेज है। अगर आप सही तरीके से अच्छे से सीख करके ट्रेड्स प्लान करोगे, डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट गेन करोगे, बट अगर आप गैम्बलिंग करोगे, कहीं पर भी ट्रेड लोगे, तो लॉसेस तो हर स्ट्रैटेजी पे होगा। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मैटर करेगा आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, की किस तरीके की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप मेंटेन कर रहे हो। ये 5 ट्रेड हुआ था, 6वां ट्रेड मैंने प्लेस किया हुआ है, इसका क्या रिजल्ट है अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ट्रेड तो शॉर्ट शॉर्ट रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्लो टाइम ले रहा है, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करके रिजल्ट का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो वेट करो, देखो ये जो ट्रेड है आपका शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, टोटल 6 ट्रेड आपने लिया, जिसमें से 2 लॉस हुआ है और 4 आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर हम लोग एक ट्रेड प्लान करने वाले हैं, रेडी रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 9600 का जो लेवल है वहाँ पे लेंगे, अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो। देखो 9600 का जो लेवल
है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, बट उसके करीब जाना चाहिए तब। अभी प्लान नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको वेट करना है, चूंकि एक ऑड नंबर कैंडल है, मतलब कि 10 मिनट का न्यू कैंडल है। अब ये ऑड नंबर इवन नंबर क्या है, अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल में अच्छे से जाना है तो मुझे कमेंट करना, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओटीसी मार्केट में हर कैंडल का प्रेडिक्शन कैसे करना है उसको भी जाना है तो मुझे बताना, मैं हर एक चीज पर अच्छे से कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर देने वाला हूं। बस यह है कि आप लोगों की तरफ से डिमांड होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अगर आप अभी देखोगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग परफेक्ट कोटेक्स के लेवल के ऊपर हुआ है। दिस कैंडल शुड बी ग्रीन कैंडल अकॉर्डिंग टू दी 1 मिनट। तो मैं यहां पर 1 मिनट का एक ट्रेड प्लान करता हूं, एंड अकॉर्डिंग टू दी 1 मिनट दिस कैंडल शुड बी ग्रीन कैंडल बिकॉज ये 96 के लेवल को हिट करने के लिए जाएगा। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगर ये ऊपर गया तो फिर मैं 5 सेकंड का एक और ट्रेड प्लान करूंगा, आप लोग देखिएगा। तो चीजें हैं यार, देखो अगर आप सही तरीके से नॉलेज पर काम करोगे तो बढ़िया तरीके से आप जो है वो रिजल्ट गेन कर सकते हो। इंतजार करेंगे, देखेंगे, लास्ट सेकंड में भी आपका ट्रेड विन करा सकता है। हालांकि ऑड नंबर कैंडल 550 लेवल के जस्ट नीचे है, वो भी छोटी सी गैप अप ओपनिंग है, थोड़ा सा रिस्की है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। इंतजार करेंगे हम लोग कि क्या हो सकता है, देखेंगे। सो वेट करो, अगर ये हमारा लॉस होगा तो नेक्स्ट में, ये तो 1 मिनट का स्ट्रेटजी है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, हम 5 सेकंड के हिसाब से बात करें तो 5 सेकंड के हिसाब से टोटल 6 ट्रेड हमने प्लेस किया है, उसमें से 2 लॉस हुआ है और 4 प्रॉफिट है। दैट मीन्स की गुड रिजल्ट, नॉट बैड, ठीक है, बढ़िया रिजल्ट रहा है। अभी और देखेंगे, ये ट्रेड हमारा लॉस होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा लॉस हो गया, 1 मिनट स्ट्रेटजी था, ये लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 5 सेकंड स्ट्रेटजी में कुछ और पॉइंट मैं देखता हूँ। पहले स्कैंडल की ओपनिंग देखता हूँ कि मैं कहाँ पे हुआ, ये सही नहीं है, ये पॉइंट सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अगर आप देखोगे कंसिस्टेंट मार्केट में एक अप की मूव मिली हुई है, और अगर आप देखोगे तो 1050 का एक लेवल है जो कि कोटेक्स का लेवल है, वहाँ तक कैंडल को ऊपर जाना चाहिए। मैंने 5 सेकंड का ट्रेड सिंपल प्लेस कर दिया है। देखो छोटा जंप तो मारेगा, डेफिनेटली मारेगा, क्योंकि ऊपर जाना है, ये मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है 5 सेकंड का। क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता है एक और ट्रेड अभी मैं प्लान करूंगा। देखो ये मैंने एक और ट्रेड प्लान किया, क्यों? क्योंकि अगर आप अभी देखोगे ये 1050 के लेवल को हिट करने जाएगा तो 5 सेकंड के 2 ट्रेड मैंने बैक टू बैक यहाँ पर हिट किया। देखो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये प्योर नॉलेज है। 5 सेकंड स्ट्रेटजी मार्केट एनालिसिस करना बहुत टफ होता है लोगों के लिए, बट मैंने इसको क्रैक किया है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अभी 2 ट्रेड मैंने लिया और 6 पहले लिया था, टोटल 8 ट्रेड मैंने प्लेस किया है अभी आपके सामने, उसमें से सिर्फ 2 ट्रेड ही हमारा लॉस हुआ है, बाकी 6 ट्रेड हमारे शॉर्ट शॉर्ट रहे हैं। बाकी 2 ट्रेड और प्लान करते हैं, टोटल 10 ट्रेड में आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगा। देखो यहां पर अगेन से मैं एक ट्रेड प्लान करने वाला हूं 600 के लेवल के पास। देखो मैंने 5 सेकंड का ट्रेड ले लिया और मेरा ट्रेड बिल्कुल क्लियर शॉर्ट शॉर्ट होगा। क्यों मैंने लिया? मैंने पहले आपको बताया था, इससे पहले जो 1 मिनट में लिया था वो लॉस हुआ था। मैंने आपको लॉजिक बताया था कि 9600 के लेवल के पास जाएगा, डेफिनेटली मैं ट्रेड लूंगा 5 सेकंड का, मेरा ट्रेड विन होगा। अगर आप देखोगे 9 ट्रेड मैंने प्लान किया, सिर्फ 2 लॉस हुआ है, बाकी सारे शॉर्ट शॉर्ट रहे हैं। एक कोई तुक्का नहीं है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, प्योर नॉलेज है। अगर आप सही तरीके से अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड्स प्लान करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो आप गेन करोगे, ठीक है। तो मैं जो है और पॉइंट एक देख लेता हूं, अगर मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं तो 9 ट्रेड मैंने लेके दिखाया आपको। देखो टोटल 12 मिनट में मैंने 9 ट्रेड लेके दिखाया हूं और उसमें से सिर्फ 2 लॉसेस हुए हैं, बाकी सारे आपके शॉर्ट शॉर्ट रहे हैं। तो आप लोगों को इस पे जो है वो देखना है और उसी के हिसाब से आप लोगों को जो है वो ट्रेड्स वगैरह प्लान करना है, ठीक है। तो चलो फिर मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह एक और देख लेता हूं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर मैं जो है वो मीटिंग को एंड करूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इंतजार करते हैं। और वीडियो में मैंने कहीं पर कट नहीं किया है, पूरा प्योर वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है। आप डायरेक्टली देखो और बताओ मुझे कि क्या आप लोगों को लगता है वीडियो में क्या क्वालिटी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखना है। मेरे पास बाइनरी के सारे हैक है, बहुत अच्छे नेवर लॉस फॉर्मूलाज है। अगर आप सारी चीज़ें चाहोगे कि मुझे ये भी चीज़ें सीखनी है, डेफिनेटली मैं सिखा सकता हूँ, बट आप लोगों की तरफ से डिमांड होना चाहिए। आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर ये वीडियो बनाओ इस टॉपिक पर, डेफिनेटली मैं वीडियोस उस पर बनाऊंगा। जो चीज़ें मुझे पता है, जिस पर मैं यूज़ करता हूँ, उस चीज़ का डेफिनेटली आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट मिल चुका है 89700 के लेवल के पास, और यहाँ पर मैं 5 सेकंड का एक अप का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ये देखो मैंने प्लान कर लिया और ये देखना 700 के लेवल को हिट करने के लिए सीधा जाएगा, मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। देखो मेरा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है यहाँ पर, किस तरीके से हुआ अगर आप देखोगे, एक्यूरेसी देख लो आप लोग यहाँ पर। अगर आप ट्रेड हिस्ट्री भी देखोगे, पूरे बैक टू बैक सारे ट्रेड्स हमारे विन हुए हैं, सिर्फ 2 ही ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, बाकी सारे ट्रेड्स हमारे शॉर्ट शॉर्ट रहे हैं। ये होता है नॉलेज, ये 5 सेकंड स्ट्रेटजी कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप इसको कहते हो गैम्बलिंग तो आपकी अपनी गलती होगी, क्योंकि मैं प्योर नॉलेज पे काम करता हूं, मैंने आपको प्योर नॉलेज दिया है, जो मैं करता हूं वही चीजें मैंने बताया। 5 सेकंड में मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, काफी अच्छा रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। होपफुली आज के वीडियो में आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिला होगा। बाकी जो शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है, मेरे जो सीक्रेट स्ट्रेटजीज है, नॉलेज है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर शेयर करने वाला हूं। उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बाकी ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे।